गाइस आप सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे आप व्लॉग्स में। अब व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज आज दिन के 2 बजे से और मेरी कमर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। ये सुरती राधिका की मम्मी ये लोग आए हैं हमारे घर में आज। श्वेता भी आई। श्वेता चल, तुझे ले जा ही नहीं रहे भाई, आपको ले जा ही नहीं रहे, नहीं ले जा रहे। ये गंदे की बच्चा है बल मौसी, नहीं ले जाते बल, इसको यही छोड़ देते बल। यही रहना हो तेरी बुआ के साथ, तेरी बुआ के घर जाना है, तेरी बुआ के घर जाना। बाय। देख मौसी का ऑनलाइन सामान देखा तूने? मौसी तेरी मम्मा ने कितना कहाँ से लाया? शाबाश, गुड। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, काम करता है ना। क्या है आपके हाथ में? क्या है? क्या है? कंधा है, कंधा मेरा कंधा। तो आया है अभी दरा और बड़ी मम्मी लोग, तो हम लोग बना रहे चूक सामने। आज श्वेता चूक लेके आई थी, मैंने देखा था उसको खरीदने के लिए, तो अभी सब मम्मी के चूक सारेंगे फिर हम लोग खाएंगे। ये गीला है। एक कल रस दामा बस। चूक हो गया है तैयार, अब खा रहे हैं सब लोग। प्याक प्याक करके प्याक प्याक कर दस होता। बाय। कौन वो मेरा जंगल नहीं। बाय। साथ जाते हैं ना छीता। गोल्डन का पूरा डब्बा लेके आया बाप। ओ। प्रणाम का। खाता तो देखिए शाफा। चोट लग के साथी को शीशे से उसके पैर में कट लग गया था। हम लोग जाने से टूटी गई थी खाना बनाने के लिए। लक्ष्मण दामे जो सोच मा सी लगाया ना अंकल ने? नहीं। कहाँ पे लगाया? झूठ मत बोलना, सही से बोल देना। कहाँ पर लगाया? फूफू को बता दो बा। यहाँ पे कैसा करके ऐसा कर दिया? तेरा मतन से रोया नहीं? रोया रोया कितना? बहुत रोया। सातिक को लग गई थी चोट, कहाँ से उसके उंगली में, पैर की उंगली में कट गया था, तो उसको अभी हम टीटी का इंजेक्शन लगा के ले आए हैं। अभी हम सोच रहे थे कि दासला हॉस्पिटल ही जाएंगे, पर जो निंगालपानी में फार्मेसी है वहीं पे हमको टीटी का इंजेक्शन मिल गया, तो सातिक को वहीं लगवा दिया। और सातिक बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, लेकिन बहुत जल्दी चुप भी हो गया वो। तो अब खाना बनाते हैं और आज बन रही है हमारे घर में फूल गोभी की सब्ज़ी। गरगुआ आज कोई मर गए, मरे हुए थे कल परसों, तो आज तीतामा था। तो राधा कह रही बताना रहा था ये नहीं आटे का, अपने में आटे का भात का दाल का है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब अगर गाय का दो वाला अच्छी तो ऐसे ही लगा, इतना डालते रहा था उसमें, इतना चलो इतना तो अलग था, मिर्च भी इतना डाल लगा था। नहीं नहीं हमारे यहाँ यही बनाते हैं। और अनिल गए थे आज गरबा, मुझे भी जाना था पर मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, पर मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ की रोड पूरी कच्ची है, कच्ची रोड की वजह से मैं नहीं गई। तो मैं भी मैं सलाद में जाऊँ। तो हमारे यहाँ जब तीतामा होता है तो हमारे यहाँ बनता है आटे का मतलब छमा, उसमें मतलब हल्दी हल्दी कुछ नहीं पता, बस मिर्च और इतना। तो राधा वही खा के आई है आटे का दाल। मुझे लगा अभी छोटा खाया, दिखा बताओ। मुझे लगा वो आटा गूंद रही और दाल उसमें डालने वाली थी, तब कह रही है ये
मुझे लगा तो आटा निकाली थी तो मैंने कटोरे का दाल तो उसमें डालने वाली होगी, तभी कह रही थी कि हम अब आटे का दाल खाएंगे के। ये लो लेके आए हैं वहाँ से इतने सारे संतरे और माल्टा। माल्टा मेरा फेवरेट है, संतरे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। राधा ये माल्टा खरीद के लाए किसी ने दिए? खरीदा ना, पता है संतरे 70 रुपए केजी है। केजी किलो। आज तो हम लोगों ने खाना 7:30 बजे खा लिया था क्योंकि खाना जल्दी बन गया था। तो आज सातवें का पैर कट गया था शीशे से, जो बगल वाला खेत है जहाँ पूनी मुर्गी चराने जाती है शाम के टाइम, तो आज भी गई थी तो सातवें भी वहाँ गया था। तो वहाँ से कुछ टूटे हुए खिलौने ये चीज़ें लेके आ गया था, तो उसमें निकल गया एक शीशा और उससे पैर में कट गया और खून आने लगा, क्योंकि जब शीशे से कटता है तो बहुत गहरा कट जाता है। फिर हम उसको ले गए, टीटी का इंजेक्शन लगा के आए। साथ ही बहुत रो रहा था कि बहुत दर्द हो गया, अंकल ने मुझे सुई लगाई, मामा मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ। अभी ठीक है, खून भी रुक गया है और खाना भी खा लिया है हमने। मेरा बेटा बहुत समझदार भी हो गया है, जैसे हम उसको सुई लगा के आए हॉस्पिटल से या बोलो फार्मेसी सेंटर से, तो साथे बोलने लगा अपनी फूफू से। जब फूफू ने पूछा कि आपको डॉक्टर ने सुई लगाई, तो बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, उसको लगा उसकी फूफू को बुरा लग जाएगा तो वो झूठ बोलने लगा। जब फूफू ने बोला सही से बताओ, तब जाके बोला कि हाँ मैं रोया और डॉक्टर ने मुझे सुई भी लगाई। मतलब वो समझता है इमोशन को, गुस्से को, प्यार को। अब बड़ा भी हो रहा है, इसका मतलब उसको समझ आ रही है, अक्ल आ रही है कि इस बात से लोगों को बुरा लगेगा, इस बात से लोग खुश होंगे। जब सात्विक को सुई लगाई ना, तब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मुझे, मेरे बेटे या मेरी फैमिली में किसी को भी इंजेक्शन लगे। जब सात्विक कह रहा था कि मम्मा हम दोबारे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो मैंने बोला कि डॉक्टर के पास हम ही क्या, कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खुद को। अब लगाने की बात हो तो मैं लगवा देती हूँ लोगों को। पूनी कह रही थी कि इंजेक्शन लेके आते हैं, रीना खुद ही लगाएगी, पर मुझे पता था कि मैं अपने बेटे को खुद नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मतलब मेरी फैमिली में कोई बीमार पड़े या कुछ हो तो मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो दर्द ना मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझे ही चुभ रहा है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे तो मेरे चैनल साथ ही बनेंगे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।